हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉम्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर लव वंस, मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं या कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे अच्छा टाइम या सबसे अच्छा मंथ कौन सा है। देखिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके विहार पर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप जो मंथ में आपको बताने वाले हूँ उन मंथ में आप प्लानिंग करते हैं या आप कंसीव कर लेते हैं तो उसके आने वाले कमिंग मंथ यानी 9th मंथ में जो बेबी आपका होगा वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी, एक्टिव, स्मार्ट और बहुत ही कम बीमार पड़ेगा। सबसे अच्छी कि वो माँ और बच्चे दोनों के लिए वो महीने काफ़ी अच्छे सेफ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम माँ और बच्चे को नहीं होती है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपनी इस वीडियो से। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आपने मन बना लिया है कि अब मुझे कंसीव करना है, एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लेकर आना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा मंथ देखिए। जैसे ये कुदरत की चीज़ें हैं, कभी भी किसी के साथ किसी भी टाइम हो सकती है, ठीक है ना, अगर हम प्लानिंग नहीं कर रहे। लेकिन आप प्लानिंग के थ्रू चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सबसे अच्छा जो मंथ है वो सजेस्ट करूँगी वो है अगर आप अप्रैल और मार्च में ये चीज़ें कर लेते हैं। अप्रैल मंथ या मार्च के महीने में आप कंसीव कर लेते हैं तो आने वाले आप जब आपका बेबी का जन्म होगा तो वो महीने होंगे आपके सर्दियों का टाइम, मीन्स वो सर्दियों का टाइम होगा, ठीक है। सपोज़ आपने अप्रैल या मार्च में आपने कंसीव किया है तो आप अप्रैल से स्टार्ट करिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मीन्स वो दिसंबर या जनवरी के मंथ तक आपकी डिलीवरी होगी, मीन्स वो सर्दियों का टाइम होगा, ठीक है। अगर आप अप्रैल मंथ या मार्च के महीने में कंसीव कर लेते हैं, ये महीना अगर आपके फर्स्ट मंथ हो चुका है इनमें, ठीक है, तो आपका जो आपकी जो डिलीवरी होगी वो होगी आपके सर्दियों के महीनों में, यानी सर्दियों का महीना वो आपका नवंबर भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है या फिर जनवरी, अगर आप अप्रैल से कर रहे हो या मार्च से, सर्दियों का टाइम होगा। उससे क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, उसके ये फ़ायदे हैं कि सबसे पहले क्या होगा, जो सर्दियों के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, एक कंफर्ट जोन में आप एक गरम गरम रजाई या गद्दे में आप आराम से अपने बच्चे के साथ लेटे होंगे, आराम करेंगे। अगर गर्मियाँ होंगी तो गर्मियों में क्या होगा कि हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, सपोज़ आपका सिजेरियन हुआ है, ठीक है, और आपके स्टिचेस आए हैं तो स्वेटिंग बार बार हो रही है, स्वेटिंग से हमारे जो जो स्टिचेस हैं उसमें खुजली होती है, वो जल्दी ठीक नहीं हो पाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी के वजह से आप जो एसी है, कूलर है, ये सारी चीज़ें आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो ये चीज़ मना की जाती है, क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में फ़ैन यूज़ कर रहे हैं या फिर एसी यूज़ कर रहे हैं या फिर कूलर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे बोन्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। बच्चे को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर गर्मियों में डिलीवरी होती है। इन चीज़ों के बिना अगर आप नहीं आराम से रह सकते हो तो ये चीज़ नेसेसरी हो जाती है, लेकिन सर्दियों में इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर्दियों में एसी, कूलर, पंखे की ज़रूरत नहीं होती, आप आराम से अपने बेड पर रजाई में अपने बच्चे के साथ एंजॉय करोगे, ठीक है। हल्का सा आप रूम हीटर जला लीजिए और रूम हीटर से क्या होगा कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, हल्के रूम हीटर से आप अपने बच्चे को और अपने आप को गर्म रख सकते हैं, इतनी दिक्कत नहीं होगी। प्लस आप अपनी सिकाई जो आपकी जो बॉडी की सिकाई है, पेट की सिकाई नीचे वाले एरिया में, आपकी कमर की सिकाई, वो आप आराम से कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ठीक है। गर्मियों में आपको गर्म गर्म पानी आप नहीं पी सकते, बहुत ज़्यादा आपका मन करेगा कि हमें ठंडा पानी मिल जाए, ठीक है, लेकिन सर्दियों में क्या होगा, आप गर्म पानी आराम से पी सकते हैं क्योंकि कम से कम 5 या 6 महीने तक वार्म वाटर पीना पड़ता है, ठीक है, अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए। तो सर्दियों में आप आराम से गर्म पानी पी सकती हैं जो कि हम गर्मियों में नहीं पी सकते हैं। गर्मियों में ना ही, अगर हमने बच्चे को जन्म दिया है तो हमें ये सारी चीज़ें दूर रखनी होती है अपने आप से, अपने बच्चे को और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये सारी चीज़ों को हमें ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एसी यूज़ कर रहे हो, आपने बच्चों को जन्म दिया है,
कूलर आप यूज़ कर रहे हो, पंखा आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे यूज़ कर रहे हो, तो ये आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देगा और आने वाले कुछ 4 या 5 साल में आपकी एक एक हड्डी बहुत बुरी तरीके से दर्द करना स्टार्ट कर देगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मेरी जो बेटी है, मेरी जो डॉटर है नव्या, उसका जन्म जनवरी के महीने में हुआ था। सर्दी थी काफ़ी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला क्योंकि मेरी बेबी आराम से सोती थी। गर्मियों में क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा घमौरियाँ निकल जाती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बच्चे पूरी बॉडी पर रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल दाने निकल आते हैं, लेकिन सर्दियों में ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चे आराम से रजाई में कंबल में सोए रहते हैं, ठीक है। और माँ को भी फ़ायदा रहता है क्योंकि उस समय हम आराम से रह सकते हैं रजाई में, हमें पंखे या किसी भी एसी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आराम से गर्म पानी भी पी सकते हैं, गर्म गर्म चीज़ें उस टाइम हम खा सकते हैं, जो कि हमारी हेल्थ को रिकवर करने के लिए, हमें अच्छे से जल्दी से ठीक करने के लिए वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हो कि सबसे अच्छे मंथ जो जनवरी मंथ के ही होते हैं। इसमें एक चीज़ और है, आप चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं, आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, अपने आसपास में जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है उनसे भी आप ये चीज़ पूछ सकते हैं कि जनवरी या दिसंबर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि सर्दियाँ बच्चे को बहुत ज़्यादा काम डाउन रखती हैं, ठीक। माँ का तो स्वास्थ्य ठीक रहता है, बच्चे भी ठीक रहते हैं, बस थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है कि उनको ठंड ना लगे, ठीक है, हमें बस उनको ठंड से बचाना होता है, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा हेल्दी वेल्दी रहती है। सबसे जो वर्स्ट महीना होता है बच्चे का जन्म का, वो होता है फरवरी या मार्च का, यानी इन महीनों में अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो वो ऑल टाइम बीमार रहते हैं, फरवरी या मार्च में अगर बच्चे ने इन महीनों में जन्म लिया है। लेकिन इन महीनों में अगर आप कंसीव करते हैं तो बच्चे सर्दी में पैदा होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, खुश हाल होते हैं, अच्छे रहते हैं, इतनी ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं उनको टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सक्सेसफुल हो। अगर आप नई नई शादी हुई है और आपका टाइम स्पेंड हो चुका है, या आप कंसीव करने की सोच रहे हैं, एक नन्हे से बच्चे को इस दुनिया में लाने की सोच रहे हैं, तो आप ये प्लीज़ एक बार आजमा के देखिए। मैं आपसे बहुत ज़्यादा फोर्सली नहीं कहूँगी, आप खुद इस पर सर्वे करके देखिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं मेरी बात सही लगेगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ माय डियर मॉम्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन पर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपना प्यार इसी तरीके से मेरे साथ बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, तब तक के लिए बाय बाय।